पनीर टिक्का मसाला। एक बाउल में बेसन का आटा डालें, कॉर्नफ्लोर डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, रेड चिल्ली पाउडर, साल्ट, भुना हुआ ज़ीरा और दही डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ ही में नींबू का रस डालें और दोबारा मिक्स करें। इस तरह से अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे और साथ ही में पेपर्स, प्याज, टमाटर डालकर हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे और इसे ढककर फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। आधे घंटे बाद इसे निकालें और एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से सुनहरा भूरा होने तक रोस्ट करें। इस तरह से अब जी हमारा टिक्का तैयार हो गया है। अब हम इसे बनाने के लिए इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे और इसमें इलायची लौंग डालकर साथ ही में गार्लिक डालकर उसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालकर इसे हम भूनना शुरू करेंगे और देखिए जे प्याज भुन चुका है और अब हम इसमें टमाटो प्यूरे डालेंगे। टमाटो प्यूरे डालने के बाद हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से सारा पानी जो है वो सूख ना जाए और अब हम इसमें केचप डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही में 1/4 कप इसमें पानी डालें। सूखी मेथी डालें और साथ ही में पनीर टिक्का डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें क्रीम डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जी आपका पनीर टिक्का तैयार है। अब इसमें हरा धनिया डालें और इसे सर्व करें।